दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने मॉर्निंग विजिट के दौरान 42 एवं 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फिल्टर प्लांट के लैब में पहुंचकर केमिस्ट से चर्चा करते हुए पानी में पाए जाने वाले तत्वों और टर्टिबिटी की जांच को गंभीरता से करने के निर्देश दिए। दुर्ग कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी द्वारा मॉर्निंग विजिट के दौरान 42 एवं 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट का औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर भी मौजूद रहे। उन्होंने फिल्टर बेड, एरिएशन चेंबर, वॉश वाटर एवं फिल्टर प्लांट के अन्य स्थानों में पहुंचकर जल शुद्धिकरण के लिए अपनाए जा रहे पूरे कार्यों का अवलोकन कर संपूर्ण प्रक्रिया को समझा। जल शुद्धिकरण की प्रत्येक विधि का जायजा लेते हुए नगर पालिका निगम क्षेत्र के हर वार्डों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित भी उन्होंने किए। इस दौरान फिल्टर प्लांट के लैब में पहुंचकर केमिस्ट से चर्चा करते हुए उन्होंने पानी में पाए जाने वाले तत्वों और टर्बिडिटी की जांच को गंभीरता से करने के निर्देश दिए। नगरपालिका निगम क्षेत्र के नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिलता रहे, इसके लिए जल कार्य विभाग की टीम पूरी मुस्तैदी से अपने कार्य में जुटी हुई है। कहीं भी विशुद्ध पानी न पहुंचे, इसके लिए पानी सैंपल जांच के साथ ही सभी जोन क्षेत्रों में रैंडम जांच करने के निर्देश कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि फिल्टर प्लांट में शिवनाथ नदी से आने वाले पानी से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर के सैंपल तक प्रक्रिया का अवलोकन किया। जल शुद्धिकरण के इस्तेमाल में उपयोग होने वाले क्लोरीन, ब्लीचिंग एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता की जानकारियां ली। वाटर टेस्टिंग लैब में पहुंचकर संधारित पंजियों का तिथि अनुसार अवलोकन किया। इस दौरान ऋचा कलेक्टर प्रकाश चौधरी ने आयुक्त लोकेश चंद्राकर एवं निगम अफसरों के साथ मॉर्निंग विजिट के दौरान रायपुर नाका ओवरब्रिज के सामने जीरो वेस्ट सेंटर एवं वार्ड 60 एवं 21 सिंधिया नगर पहुंचकर नालियों की साफ सफाई और सड़कों की व्यवस्था देखी और कार्यों का जायजा लिया और साथ ही नाली एवं सड़कों की सफाई को निरंतर करने के निर्देश दिए। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।